हमारी दुनिया में करीब तीन तरह के अलग अलग किस्मों के जीव और पौधे हैं, और उनमें से हर एक अपने तरीके से जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। हम चाहे जहां भी देखें, चाहे वह जमीन हो या समंदर, हर जगह हमें इसी बात की मिसालें मिल जाती है कि यह जीव जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यह है फ्लोरिडा का समुद्री किनारा और यह है बॉटलनोज डॉल्फिन, दुनिया की सबसे समझदार जीवों में से एक। तेजी से तैरती मछलियां, लेकिन डॉल्फिन ने शिकार करने के लिए बेहद ही नायाब तरीका खोज निकाला है। यह मछली चालाकी से शिकार को घेर कर उतले पानी में जोर जोर से अपनी पूंछ हिलाकर गोल घेरा बना लेती है, और जैसे जैसे यह गोले को कसती जाती है, दूसरी मछलियां घबराकर गोले के बाहर कूदने लगती है और डॉल्फिन गोले के बाहर मुंह खोलकर शिकार का इंतजार करती है। सिर्फ इन डॉल्फिन्स के पास ही शिकार करने की यह कला होती है, और इस तरह से शिकार करने पर उन्हें फायदा भी होता है। बात जब सबसे दमदार के लिए जिंदा बचे रहने की आती है, तब इस तरह के छोटे मोटे फायदे जिंदगी और मौत का फर्क ले आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस खूबसूरत वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जीवों और पौधों ने जिंदा बचे रहने के लिए किस तरह की अनोखी और शानदार रणनीतियां बना रखी है। हर जीव का हर दिन चुनौतियों से भरा होता है, और उन्हें हर उस चुनौती का मुकाबला करना पड़ता है ताकि वह खुद जिंदा रह सके। यह है सबसे बड़े शिकारी। चीता बड़ी तेजी से शिकार करता है। हालांकि यह तेज दौड़ सकता है, लेकिन यह बड़ा कमजोर होता है और सिर्फ छोटे शिकार के पीछे ही भाग सकता है। इसमें ना तो एक शेर जितनी ताकत होती है और ना ही इसका वजन इतना होता है कि यह किसी बड़े शिकार को मार सके। लेकिन नर अलग होता है, वो अकेले शिकार नहीं करता। उसने यह पहचान लिया है कि संगठन में ही शक्ति है और साथ मिलकर एक बड़े शिकार को भी ठिकाने लगा सकता है। एक शुतुरमुर्ग जो चीते से ज्यादा बड़ा और वजनी होता है, हालांकि यह चीते को मार तो नहीं सकता, लेकिन अपने पैरों से घायल जरूर कर सकता है। लेकिन जब चीते झुंड बनाकर शिकार करते हैं, तो वह और भी ज्यादा खतरनाक रणनीति बनाकर शिकार करते हैं। जैसे कि इस क्लिप में एक साथ सभी चीतों ने इस पर हमला कर दिया, जिससे शुतुरमुर्ग घबरा गया और कुछ न कर सका। दूसरे जीवों ने भी अपने अपने दुश्मनों को काबू करने के लिए बड़ी ही अनोखी रणनीति बनाई है। यह सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इनके पास है बड़े ही अनोखे हथियार। यहाँ इन्हें शिकार करने के लिए न केवल छिपकर हमला करना पड़ता है, बल्कि चतुराई भी दिखाना पड़ती है। और इन पेड़ों पर रहता है घात लगाकर शिकार करने में माहिर एक शिकारी, खुद को माहौल के हिसाब से छिपाने में माहिर और बिजली की तेजी से वार करने वाला यह जीव बड़ा ही शातिर शिकारी होता है। लेकिन कई बार यह भी शिकार बन जाता है। यह है गिरगिट। यह जीव तो काफी कमाल का होता है, क्योंकि यह अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपने शरीर का रंग बदल सकता है। इसकी दोनों आंखें अलग अलग दिशा में घूम सकती है और अपने शिकार को पहचान लेती है। यह बड़े ही दबे पैर अपने शिकार की ओर तब तक बढ़ता है जब तक शिकार इसके हद में ना आ जाए। इसके बाद यह इस्तेमाल करता है अपना सबसे अनोखा हथियार, इसकी जबान, जो 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलती है। यह अपने शिकार पर वार ही नहीं करता, बल्कि उसे दबोच भी लेता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पौधे की, जो जिंदा रहने के लिए जीवों को खा जाता है। यह एक बड़ा ही कमाल का फंदा है, साथ ही चारा भी, जो अपने शिकार को पास बुलाने के लिए फंदे के किनारे पर मीठा रस पैदा करता है। इसके शिकार होते हैं ऐसे छोटे जीव जो मीठे रस को पीने के लिए इसके करीब आ जाते हैं। जैसे ही कोई जीव इस रस को पीने के लिए डिस्क के पास आता है और रस पीने लगता है, तभी यह पौधा अपना फंदा जकड़ लेता है और जीव अंदर फंस जाता है। अब यह पौधा धीरे धीरे अपने शिकार को हजम करने लगता है।
दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।